देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, किताब को लेके मैंने कई बार बोला है आप बुक लेते नहीं हो। अब देखो आप अभी बुक की बात करते हैं, ठीक है। मैं जब अपने टाइम पे पढ़ा करता था ना, अपने समय पे, हमारा समय कौन सा था, 2010। जब 2010 और 11 12 में हम पढ़ा करते थे, किसी भी दुकान पे चले जाए, वहां पे जाते ही दो तरीके की किताब मिल जाता था, न्यू भी और आपको ओल्ड भी। हम बस बोलते थे कि बीकॉम फाइनल ईयर की कॉस्ट अकाउंट की किताब दो, वो दो तीन वैरायटी रख देता था सामने। एम एन अरोड़ा लोगे, ये लोगे, महेश्वरी मित्तल लोगे, ये लोगे, रख देता था। किसी भी किताब दुकान पे चले जाओ मिल जाता था। आज के टाइम पे मैं गारंटी लेता हूं, अगर शॉप मीडियम भी है, मैं बहुत बड़ी की बात नहीं कर रहा, मीडियम भी है, आपको किताब नहीं मिलेगा। अगर स्मॉल स्केल पे है तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको किताब। पता है कैसे मिलता है? आप पहले पैसे एडवांस दो, फिर वो मंगवाएंगे, फिर देंगे, अदरवाइज नहीं। और किताब भी होंगी वहां पे तो शायद आपको पुराने वाला दे दे, बोले यही सेम है, यही ले जाओ भाई। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है कि बच्चे ना अभी, आप देखो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, पता है, क्योंकि इसके जिम्मेदार आप नहीं हो, आपसे पिछले सीनियर हैं। उन्होंने बुक का क्या सोचा कि हम बना लेते हैं पीडीएफ, और पीडीएफ से बस ग्रेजुएशन पास होना ही हो जाएंगे। थिंकिंग ये करा, वो पीडीएफ बांट दी, कुछ भी करा। जब पीडीएफ बना तो जो पब्लिशर है उनने जितने भी किताबें बनाई, बुक्स जितने भी बनाई, वो बुक्स सोल्ड ही नहीं हुआ। अब सोल्ड होने के बाद हुआ क्या, बिजनेस उसका किसमें चला गया, और लॉस में जाने के बाद वहां पे जो 10 12 मजदूर थे, 50 60 मजदूर थे, अब देखो कितने मजदूर है। टीचर को भी नौकरी मिलता है उसके अंदर, टीचर उसको बुक्स को प्रूफिंग कर रहा है, एडिटिंग कर रहा है। टाइपिस्ट को नौकरी मिल रहा है वहां पे, जो टाइपिस्ट वहां पे ऐड कर रहा है, लेस कर रहा है। टाइपिस्ट के बाद फिर वहां पे आपका, मान लेते हैं, जो प्यून है उसको भी एक जॉब मिल रहा है। फिर बहुत सारे कंप्यूटर, फिर प्रिंटर वाले को भी नौकरी मिल रहा है। प्रिंटर वाले के वहां पे भी बहुत सारे पब्लिक काम कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो आप ये प्रोसेस देखो कि एक किताब से कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोगों का घर चल रहा है। आपके लिए 500 और 700 रुपए अभी थोड़े टाइम के लिए बड़े अमाउंट है, लेकिन जैसे ही आप 500 और 700 बचाने लगोगे तो कंपनी लॉस में जाते जाते सभी क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। फिर आपको पढ़ने के लिए कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। डीयू के मटेरियल से आप वाकिफ ही हो कि कितने अच्छे से आप पढ़ सकते हो। आपको कोई भी मटेरियल नहीं मिलेगा और आप परेशान हो जाओगे। तो मैं आप सभी बच्चों को क्यों बोलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप सभी बच्चे बुक खरीदो, क्योंकि आने वाले जो आपके जूनियर हैं उनको ये दिक्कत ना हो। तो मैंने क्यों कहा कि आप किताब ना लेके एक तरीके से हमारे जीडीपी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। धीरे धीरे सारे पब्लिशर चले जाएंगे, जो पुराने पुराने, जो पब्लिशर बहुत रेनाउंड पब्लिशर है, जिनकी बुक्स बिक जाती हैं, वही रह जाती हैं, बाकी नहीं रह जाता। क्योंकि ये जैसे दुकानदार है, एज अ मैं दुकानदार, ये किताब मैं खरीद के लाऊंगा, 800 रुपए की किताब है, 10% का मार्जिन नहीं है, मेरा सिर पे बचना है 10%। मान लो अब ये किताब कोई बच्चा लेने नहीं आया, मेरे सर पे पड़ गया, भैया 10 किताबों का नुकसान हो गया मेरा, तो 10 किताबें बेचूंगा नहीं, मेरा लॉस हो गया। और ये पब्लिशर के पास जाएगा, पब्लिशर बोलेगा भैया हम वापस नहीं लेंगे इस किताब को, क्योंकि अब ये किताब बिकेगी नहीं, और ये रद्दी के भाव में जाएगी अब तो। तो वो चीजें ध्यान रखो, किताबें की क्वालिटी, बहुत सारी चीजें। अभी 11 12 में तो फिर भी जिंदा है ये कि बच्चे बुक्स लेके पढ़ लेते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वाले बच्चे, सर 10 ईयर का पीडीएफ, इसका पीडीएफ, और ये सारी किताबें आपके रियल लाइफ में काम आएंगी आगे। पीडीएफ नहीं तो किताबों पे जितना ज्यादा आपका पेन चलता है, आप मान के चलो कि आप उसको बाद में रिवीजन में भी काम आता है, और बाद में फर्दर हायर एजुकेशन में भी काम आता है। और आप सभी के साथ जो है एक तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हो, आपकी पुरानी बुकें भी आधी रेट में बिक जाती हैं, लेकिन आप सब बोलते हो सर प्लीज पीडीएफ प्रोवाइड कर दें। तो मैं वही कहना चाहूंगा, पीडीएफ के चक्कर में प्लीज आप कोई बच्चे ना पढ़े। मैं गारंटीड बोल सकता हूँ, पीडीएफ से पढ़ने से और बुक से पढ़ने से मार्क्स पे फर्क पड़ता ही पड़ता है। जो बच्चा पीडीएफ से पढ़ रहा है, मान के चलो उसका अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 20% मार्क्स में रिडक्शन आ जाता है, इस बात का ध्यान रखना। अब 20% मार्क्स बढ़ाने हैं, हम सिर्फ वही चीजें पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आ रहा है।
आप सभी को बड़ा मजा आता है, सर ने जो पढ़ाया वो एग्जाम में आ गया। सच्चाई ये है भाई कि एग्जाम का पैटर्न पता है हमने पढ़ा दिया, लेकिन वो सारी चीजों को तो आप जान ही नहीं पाए ना जो किताब के अंदर एक्स्ट्रा गिवन है, समझ ही नहीं पाए वो पॉइंट। अगर किताब नहीं लिया तो आप तो सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करके चले जाओगे, तो आपका बेस कहीं ना कहीं कमजोर होता जाएगा, उसके रिस्पॉन्सिबल आप रहोगे। तो मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा किताब ले लीजिए, मैंने सभी बच्चों को लिंक भी दे दिया है, पब्लिशर का नंबर होगा वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, बुक ले लीजिए। मेरा उस बुक के अंदर कोई लेना देना नहीं है भैया, पब्लिशर दूसरा वो दूसरा, जो चीजें एक गलत है वो गलत है, कॉपीराइट्स मत करिए, बहुत लोगों की मेहनत होती है उसके बाद कहीं किताब मिल पाता है। ये किताब आप जैसे कोई भी किताब देखेंगे तो इसमें एक साल की मेहनत नहीं है, कम से कम इसके अंदर 30-40 साल के मेहनत के बाद एक किताब अच्छी बन पाती है। आप ये सोचेंगे ना कि आज मैं किताब, आप एक नोट्स लिखो ना 10 पेज का नोट्स लिखो तो 50 गलतियां निकल जाएंगी आपकी, और इन किताबों में तो देखो बहुत कम एरर निकलता है। वो एरर कैसे सही होता है, बहुत टाइम बीतने के बाद। टेनियर भी आ चुकी है मार्केट में, आप ले सकते हैं जाके मार्केट से, तो बस यही बताना था मुझे आपको, टेनियर भी आप ले सकते हो।